हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एजुकेशन पार्क यूट्यूब चैनल पे। मैं सुमित, आज मैं 12th के स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर 6 का जो बायोलॉजी का बुक मैं पढ़ा रहा था उसका एक टॉपिक पे आज हम आपको बताने वाले हैं, जिसका नाम है अनुलेखन, यानी ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, कैसे होता है, ये सारी प्रोसेस मैं आज कंप्लीट रूप में बताने वाला हूँ। क्लास शुरू करने के पहले मैं सबसे पहले आप सभी लोगों से एक बात कहना चाहूंगा। मुझे आज बहुत खुशी हुई ये बात जान करके कि कुछ सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमारा रेगुलर क्लास किया है और मेरे वीडियो पब्लिश होने के 1 से 1.5 घंटे के अंदर ये अपना टास्क पूरा करके मुझे व्हाट्सएप करते हैं और या फिर कमेंट बॉक्स में लिख के बताते हैं। तो मुझे ये जान करके बहुत ही बेहद खुशी हुई है। उन स्टूडेंट्सों में मुख्य रूप से जो है उनमें नाम है छोटी कुमारी, दीपक कुमार, परवेश आलम, प्रियांशु, प्रियरंजन, विपुल, पम्मी, मुन्ना, सोनी, सुहानी, नितेश, राहुल, मधु, स्वाति, नाज, साहिबा, नेहा, गोपी, सबरा, नीलम, मुस्कान, कृति, राजेश्वर, करण और धुमन। ये सारे वो स्टूडेंट्स हैं जो मेरे ये जो मैं ऑनलाइन क्लासेस चला रहा हूँ वो बहुत ही सिंसियर तरीके से, बहुत ही मतलब जिम्मेवारीपूर्ण तरीके से अपना टास्क बना करके मुझे व्हाट्सएप करते हैं। मुझे आप सब लोगों से, इन सारे स्टूडेंट से और जो नहीं भेजे, मैं उन सभी स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो अपना टास्क पूरा करें, हमारे क्लास से ज्वाइन करें। मैं सारे स्टूडेंट्स को बहुत बहुत शुक्रिया। अब चलिए आज के क्लास में शुरू कर रहा हूं। सबसे पहला आज जो है वह है अनुलेखन। आज हम जानेंगे अनुलेखन क्या होता है, अनुलेखन का मतलब क्या है। जैसा कि मैंने आपको कुछ चीजें बताई है, मैं उन चीजों को आज फिर दोहरा रहा हूं, ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे डीएनए, डीएनए से क्या बनता है बाबू, एमआरएनए बनता है, एमआरएनए बनता है। डीएनए से क्या बनता है, एमआरएनए, और एमआरएनए से क्या बनता है बाबू, प्रोटीन, प्रोटीन बनता है। अब इस चीज को समझेंगे कि कौन से प्रोसेस को क्या कहा जाता है। डीएनए से डीएनए का बनना, डीएनए से डीएनए का बनना क्या कहलाता है, मैंने कल ही बताया था, रेप्लिकेशन कहलाता है, प्रतिलिपिकरण, प्रतिलिपिकरण कहलाता है। सबसे पहले डीएनए से डीएनए बनते हैं, यानी प्रतिलिपिकरण होता है, रेप्लिकेशन होता है, प्रतिकृति बनती है। डीएनए से एमआरएनए का बनना, ये जो प्रोसेस है वह क्या कहलाता है, अनुलेखन, यानी ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। क्या चीज, डीएनए से एमआरएनए का बनना, यानी डीएनए से आरएनए का बनना क्या कहलाता है, अनुलेखन कहलाता है, यानी ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, ठीक है। और आरएनए से प्रोटीन का बनना क्या कहलाता है, रूपांतरण, यानी ट्रांसलेशन कहलाता है। ध्यान देंगे, डीएनए से डीएनए का बनना प्रतिलिपिकरण यानी रेप्लिकेशन कहलाता है, डीएनए से आरएनए का बनना अनुलेखन यानी ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, और आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन यानी रूपांतरण कहलाता है। आज जो मैं ये बताने वाला हूं कि कैसे डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है, आज हम यही चीज को आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अनुलेखन को परिभाषित रूप में लिखेंगे, अनुलेखन होता क्या है। तो चलिए आपको बताते हैं अनुलेखन के बारे में विस्तार से, ध्यान देंगे। मैं सभी स्टूडेंट्स को ये बात जरूर कहूंगा कि ये सारे क्वेश्चन आप बनाइए, इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन में भी पीडीएफ के माध्यम से उपलब्ध कराता हूं और आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको फॉरवर्ड करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और अपना नाम और क्लास हमारे व्हाट्सएप नीचे नंबर दिया गया उस पर करें, मैं आपको उस क्लास में ज्वाइन कर दूंगा, आप भी निःशुल्क इस क्लास में पढ़ सकते हैं।
ठीक है, इससे रिलेटेड जब ये पूरे चैप्टर खत्म हो जाएंगे, मैं इससे रिलेटेड आपको एग्जामिनेशन के लिए गेस क्वेश्चन भी उपलब्ध कराऊंगा और नोट्स भी उपलब्ध कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे अनुलेखन क्या होता है। अनुलेखन का मतलब होता है डीएनए से आरएनए का बनना। डीएनए से आरएनए का बनना क्या कहलाता है बाबू? अनुलेखन कहलाता है, यानी ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ठीक है, अब कैसे क्या होता है, अब हम लोग ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पूरा प्रोसेस को समझने के लिए हमें कुछ चीजें याद रखनी है। जो पहली चीज है वह है अनुलेखन इकाई। अनुलेखन इकाई, इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। अनुलेखन इकाई क्या होता है, बहुत ही बेहद जरूरी है ट्रांसक्रिप्शन के बारे में समझने के, अनुलेखन इकाई के बारे में समझना बहुत जरूरी है। जब तक आपको अनुलेखन इकाई नहीं पता चलेगा तब तक आप ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को सही से नहीं समझ सकते बाबू। तो अनुलेखन इकाई क्या है, तो डीएनए का वह भाग, डीएनए का वह भाग जो एमआरएनए को बनाने में भाग लेता है उसे अनुलेखन इकाई कहते हैं। अनुलेखन इकाई कहते हैं, ठीक, यानी डीएनए का वह भाग जो एमआरएनए को बनाने में भाग लेता है, यानी डीएनए में बहुत सारे पार्ट होते हैं और वह पार्ट जो आरएनए को बनाने में भाग लेता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहते हैं, यानी अनुलेखन इकाई कहते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं अनुलेखन जो इकाई होते हैं, वह कितने प्रकार के होते हैं बाबू? तीन प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है उसको बोलते हैं उन्नायक। उन्नायक इंग्लिश में इसको बोला जाता है प्रोमोटर, प्रोमोटर बोला जाता है। दूसरा होता है संरचनात्मक दिन, जी, और तीसरा होता है समापक। ये अनुलेखन इकाई तीन प्रकार की होती हैं, जो ये तीन ही भाग, तीन ही इकाई जो है आरएनए को बनाने में मदद करती है, डीएनए से आरएनए के निर्माण में। उन्नायक क्या होता है, संरचनात्मक क्या होता है, समापक क्या होता है, मैं एक एक करके सभी चीजों के बारे में आपको बता रहा हूं। तो अनुलेखन इकाई कितने प्रकार के होते हैं बाबू? तीन प्रकार के, उन्नायक, संरचनात्मक और समापक। इन तीनों का नाम जरूर याद रखेंगे। समापक को हम लोग टर्मिनेटर कहते हैं, क्या कहते हैं? टर्मिनेटर। और संरचनात्मक जिनको स्ट्रक्चरल जीन कहते हैं, जी, ठीक है। अब हम लोगों को यह समझना होगा कि कैसे यह प्रोसेस होता है। मैं आपको पूरे चित्र के माध्यम से, बहुत ही अच्छे चित्र के माध्यम से आपको समझाने वाला हूं, बहुत आसान तरीके से, ध्यान देंगे इस चीज को, ठीक है। सबसे पहले हम लोग एक डीएनए का फिगर बना रहे हैं। थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं इसको ताकि अच्छे से समझ में आए।
ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए हमारा नाइट्रोजनी क्षार भरा हुआ है, यहाँ पे नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, ये मान लीजिए 5 डैश है, तो ये आपका 3 डैश होगा, और ये 3 डैश है तो ये 5 डैश होगा। ठीक है, ये एक मैंने डीएनए का फिगर बनाया। अब इस चीज से समझेंगे बहुत ध्यान से। मान लीजिए यहां पे मैं मान लेता हूं यहां पे प्रोमोटर भाग है, ये डीएनए का प्रोमोटर भाग है, ठीक। इसके ठीक बगल वाला भाग जो होता है वह संरचनात्मक जीन का भाग होता है, इसके अगले वाला भाग समापक होता है, ठीक है। अब इसको हम लोग एक एक करके समझेंगे। मान लीजिए ये उन्नायक हो गया, उन्नायक ये आपका संरचनात्मक हो गया, और ये हो गया आपका समापक। तीन अनुलेखन इकाई होते हैं ना, ये वो पार्ट है जो डीएनए से आरएनए के बनाने में भाग लेते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि उन्नायक भाग में सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि डीएनए से आरएनए को बनने के लिए कौन सा एंजाइम जिम्मेवार होता है। तो ध्यान देंगे इस चीज को, डीएनए से आरएनए बनाने वाले एंजाइम, वो उसका एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज। ये एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज जो डीएनए से आरएनए को बनाने के लिए उत्प्रेरित करता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि यह आरएनए पॉलीमरेज जो होता है डीएनए से आरएनए बनाने की क्रिया को करता है, ठीक है, यह एक एंजाइम है। अब देखिए क्या होता है, सबसे पहले उन्नायक भाग, यानी ये जो भाग है उन्नायक भाग, वह भाग होता है जहां पे जिसमें विशिष्ट क्षार क्रम पाए जाते हैं, यानी हम लिख सकते हैं उन्नायक भाग वह भाग है जिसमें विशिष्ट क्षार क्रम पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं बाबू? ये उन्नायक में, यानी प्रोमोटर में क्षार क्रम पाए जाते हैं जो आरएनए को यहां जुड़ने के लिए प्रेरित करते हैं, जो आरएनए को जुड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। यानी अनुलेखन इकाई का वह भाग जिसमें विशिष्ट क्षार क्रम पाया जाता है जो आरएनए को जोड़ने के लिए प्रेरित करता है, वह होता है भाग उन्नायक भाग। अब उन्नायक भाग में जब ऐसे गुण पाए जाते हैं कि यह क्या करता है कि आरएनए जो पॉलीमरेज होता है, आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज को जोड़ने के लिए प्रेरित करता है कि यहां पे आरएनए आकर के पॉलीमरेज क्या हो जाए, जुड़ जाए। अब देखिए क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज जब ये प्रेरित करेगा कौन, उन्नायक भाग, की आरएनए पॉलीमरेज आकर के यहां पे जुड़े, तो आरएनए पॉलीमरेज ये उन्नायक भाग से आकर के क्या करता है, जुड़ जाता है, ठीक है। कौन एंजाइम आकर जुड़ता है? आरएनए पॉलीमरेज। जब आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम उन्नायक भाग से जुड़ जाता है
तब एक कारक होता है, जैसे यहां पे अगर मान लीजिए आरएनए पॉलीमरेज आपका आकर के जुड़ गया, पॉलीमरेज आकर जुड़ गया, तो एक कारक होता है जिसको बोलते हैं सिग्मा कारक। कौन कारक होता है? सिग्मा कारक। जब आरएनए पर यह आकर के बैठता है, कौन? सिग्मा कारक। सिग्मा कारक जब आरएनए पॉलीमरेज उन्नायक स्थान पर पहुंचता है और जब वह उन्नायक स्थान पर जाकर के जुड़ जाता है, तब एक कारक आता है सिग्मा कारक। और सिग्मा कारक जब आरएनए पॉलीमरेज के ऊपर बैठता है तो आरएनए पॉलीमरेज आरएनए बनाने का कार्य शुरू कर देता है। यानी आरएनए पॉलीमरेज कहां से आके जुड़ा? उन्नायक भाग में। अब इसके ऊपर जब सिग्मा कारक आता है तो ये प्रोसेस शुरू हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, आरएनए का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, आरएनए का बनना शुरू हो जाता है। जब आरएनए का बनना शुरू हो जाता है तो यहां पे याद रखेंगे अनुलेखन की दिशा, अनुलेखन की दिशा क्या होती है? यहां पे हम लिख देते हैं अनुलेखन की दिशा हमेशा 5' से 3' की तरफ होती है। तो जब अनुलेखन की दिशा 5' से 3' की होगी तो जनक जो होगा, जनक का स्ट्रेन 3' से 5' की तरफ होगा, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि जो आरएनए बनने का कार्य है वह 3' से 5' वाले पर होगा, यानी ये नीचे वाला पे होगा। यानी दो स्ट्रैंड होते हैं डीएनए में, दो स्ट्रैंड होते हैं, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होते हैं, एक 3' से 5' होता है, एक 5' से 3' होता है। जैसा कि डीएनए में बनने में क्या होता है, प्रतिलिपिकरण में दोनों में अनुलेखन होता है, दोनों में क्या होता है, ये नए जो डीएनए श्रृंखला का निर्माण होता है वह दोनों में होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, केवल उसी स्ट्रैंड पर होता है जिसका स्ट्रैंड 3' से 5' की तरफ है, ठीक है। इसको फिर से अच्छे तरीके से समझेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समझा रहा है, ध्यान देंगे पूरे एकदम इंतजार से। अनुलेखन क्या है? डीएनए से आरएनए का बनना, ठीक। डीएनए से आरएनए को बनाने में डीएनए का जो भाग भाग लेता है वह होता है अनुलेखन इकाई। अनुलेखन इकाई तीन प्रकार का होता है, उन्नायक, संरचनात्मक और समापक। उन्नायक भाग वह भाग है जिसमें विशिष्ट क्षारक्रम होता है जो आरएनए पॉलीमरेज को जुड़ने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। ये कहता है आरएनए पॉलीमरेज इसके साथ आकर के जुड़ जाए। जब आरएनए पॉलीमरेज इसके साथ जुड़ता है तो एक कारक होता है जिसको कहते हैं सिग्मा कारक। सिग्मा कारक जैसे ही यहां पे आरएनए पॉलीमरेज पर आके बैठता है, आरएनए फॉर्मेशन का कार्य शुरू हो जाता है, यानी आरएनए बनने का कार्य शुरू हो जाता है। अब आरएनए बनने का कार्य जब शुरू हो जाता है तो हम लोग जैसा कि मालूम है कि अनुलेखन की दिशा जो होती है, अनुलेखन की दिशा या ट्रांसक्रिप्शन बनने की जो दिशा होती है वह 5' से 3' की तरफ होती है, ठीक है। और तब अगर अनुलेखन की दिशा 5' से 3' की तरफ हो तो जनक की दिशा किस तरफ होनी चाहिए? 3' से 5' की तरफ। यानी जो दो स्ट्रैंड होते हैं डीएनए का उस पर आरएनए किस स्ट्रैंड पे बनता है? 3' से 5' वाले स्ट्रैंड पे, ठीक है। आरएनए किस स्ट्रैंड पे बनता है? 3' से 5' वाले स्ट्रैंड पे। अब देखिए क्या होता है, आरएनए का फॉर्मेशन ये 3' से 5' वाले पर होता है। इस स्ट्रैंड को टेम्पलेट, टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं, ध्यान देंगे यही चीज को। डीएनए का वह स्ट्रैंड, क्वेश्चन आता है टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या है, तो डीएनए का वह स्ट्रैंड जिसकी दिशा 3' से 5' की तरफ हो और जिस पर आरएनए का बनने का कार्य हो तो वह टेम्पलेट स्ट्रैंड कराती है, ठीक है। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं, यानी आरएनए का फॉर्मेशन डीएनए के 3' से 5' वाले स्ट्रैंड पर होता है जिसको हम लोग टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं। कोई पूछे आपसे टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या है, तो आरएनए का फॉर्मेशन, आरएनए का बनने का कार्य
डीएनए के 3' से 5' वाले स्ट्रैंड पर होती है उसे हम लोग टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं, और जिस पर आरएनए का फॉर्मेशन नहीं होता यानी 5' से 3' पर नहीं होता इसको कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोडिंग स्ट्रैंड। यानी कोडिंग स्ट्रैंड क्या है? तो डीएनए का वह स्ट्रैंड जिसकी दिशा 5' से 3' की तरफ होती है उस पर डीएनए का फॉर्मेशन नहीं होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? कोडिंग स्ट्रैंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई। अब हम लोग को ध्यान देना होगा आरएनए बनने में सिर्फ ये संरचनात्मक भाग ही आरएनए को बनाता है, ये तो स्टार्ट करता है, वो नायक वाला भाग स्टार्ट करता है, आरएनए बनने का काम को क्या करता है? चालू करता है। लेकिन आरएनए बनने का कार्य क्या होता है? संरचनात्मक भाग में। अब संरचनात्मक भाग में क्या होता है अब मैं आपको ये बता रहा हूं, ध्यान देंगे इस चीज को। देखिए, जब सिग्मा कारक आरएनए पॉलीमरेज़ से आकर जुड़ता है, जब सिग्मा कारक आरएनए पॉलीमरेज़ से आकर के जुड़ता है तो आरएनए का बनना क्या हो जाता है? स्टार्ट हो जाता है। और वह आगे बढ़ते हुए, जब ये आगे बढ़ेगा तो ये आगे बढ़ते हुए ये जो हाइड्रोजन बंद है डीएनए के अंदर, जो ये हाइड्रोजन बंद है, ये हाइड्रोजन बंद को ये क्या कर देगा? तोड़ देगा। कौन तोड़ देगा बाबू? ये सिग्मा कारक हाइड्रोजन बंद को तोड़ देगा। यानी हाइड्रोजन बंद को तोड़ने का कार्य कौन करता है? सिग्मा कारक। या आरएनए का बनने का कार्य कौन करता है? सिग्मा कारक। जब ये तोड़ देगा तो यहां पे आरएनए का बनना शुरू होगा। जैसे मान लीजिए यहां पे एडेनिन है, थायमिन है, साइटोसिन है, एडेनिन है, एडेनिन है। तो एडेनिन यहां पे किससे जुड़ जाएगा? यूरेसिल से। थायमिन एडेनिन, एडेनिन से। साइटोसिन गुआनिन से। एडेनिन यूरेसिल से। याद रखेंगे आरएनए में क्या होता है? थायमिन नहीं पाया जाता है, यूरासिल पाया जाता है। तो कहिएगा सर नीचे तो थायमिन पाया जाता है, तो नीचे तो डीएनए का भाग है ना, तो डीएनए में तो थायमिन पाया ही जाता है। तो जब भी जुड़ेगा एडेनिन जो होगा यूरेसिल से जुड़ेगा, और थायमिन एडेनिन से, साइटोसिन गुआनिन से, और एडेनिन यूरेसिल से जुड़ेगा। एडेनिन यूरेसिल से कब जुड़ेगा? आरएनए के बनने के क्रम में। ठीक है, इस तरह से आरएनए का बनना इस पे स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही ये आरएनए पॉलीमरेज जैसे ही कहां पे पहुंचता है? समापक भाग पे पहुंचता है, तो ये सिग्मा कारक हट जाता है। याद रखेंगे जब आरएनए पॉलीमरेज जब यहां पर सिग्मा कारक आके जुड़ता है तो आरएनए के बनने का कार्य शुरू हो जाता है। तो आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ता है, आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ते हुए क्या करता है? ये हाइड्रोजन बंद को तोड़ देता है, और हाइड्रोजन बंद को जब तोड़ता है तो यहां पे आरएनए बनने की क्रम शुरू हो जाते हैं। तो यहां पे जो कि दिशा, ये आप मान लीजिए इसकी दिशा 3' से 5' की तरफ है डीएनए की, तो यहां पे आरएनए जो अनुलेखन होगा वह क्या होगा? 5' से 3' की तरफ होगा, ये वाला होगा। जब ऐसे अनुलेखन हो जाएगा, जब ये आरएनए पॉलीमरेज बढ़ते बढ़ते समापक भाग पे पहुंचेगा तो यहां से सिग्मा कारक क्या होगा? हट जाएगा। इसमें मौजूद जो आरएनए पॉलीमरेज पर सिग्मा कारक है वह क्या हो जाएगा? हट जाएगा। और जैसे ही समापक भाग में वह पहुंचता है तो वहां पे एक दूसरा कारक आता है जिसको बोलते हैं रो कारक। क्या बोलते हैं? रो कारक। रो कारक वहां पे आकर के मिल जाता है, और जैसे ही रो कारक आकर के वहां पे मिलता है आरएनए बढ़ने की क्रिया क्या हो जाती है? रुक जाती है। यानी आरएनए बढ़ने का कार्य रुक जाता है। तो जितना आरएनए बनता है उतना ही केंद्रक से बाहर निकल जाता है। इस प्रकार से आरएनए बनने की क्रिया संपूर्ण होती है। ठीक है, अब इस चीज को ध्यान से समझेंगे, एक बार दो बार इस वीडियो को देखेंगे तब जाकर के ये चीज पूरी तरह से क्लियर होगा, नहीं तो क्लियर नहीं होगा। अब चलिए इसको विस्तार से आपको बताते हैं बहुत अच्छे तरीके से, एक अच्छे फिगर के माध्यम से चलिए आपको बताते हैं। ऐसे आपके बुक में भी 108 पेज में आपको फिगर बनाए हुए है,
देखिए, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए 3 डैश है, ये आपका हो गया 5 डैश, ये हो गया 5 डैश, तो हो गया 3 डैश। देखिए, सबसे पहले ये मान लेते हैं ये प्रमोटर भाग है, ये उन्नायक भाग है, सॉरी ये प्रमोटर भाग है, ये संरचनात्मक भाग है और ये समापक भाग है। यहां पे सबसे पहले आता है डीएनए आरएनए पॉलीमरेज, यहां पे आता है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जैसे ही उन्नायक भाग से जुड़ता है तो यहां पे एक कारक आता है सिग्मा कारक। सिग्मा कारक जैसे ही आकर के जुड़ता है आरएनए पॉलीमरेज के साथ, आरएनए की बनने की क्रिया क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। जब आरएनए बनने की क्रिया स्टार्ट हो जाती है तो ये आगे बढ़ते हुए पहुंचता है कौन से भाग में बाबू, संरचनात्मक भाग में। ये मान लेते हैं आपका संरचनात्मक भाग, ठीक है। यहां पे आकर के आपका पहुंचता है ये वाला चीज आरएनए पॉलीमरेज, आकर के यहां पे पहुंचता है आरएनए पॉलीमरेज। जब आकर के पहुंचता है कहां पे, संरचनात्मक भाग में, तो ये हाइड्रोजन बंध को क्या कर देता है, तोड़ देता है और यहां पे आरएनए बनने की क्रिया होने लगती है। आरएनए बनने की क्रिया कैसे होने लगती है, तो जैसा कि मालूम है आरएनए बनने का कार्य 3 डैश से 5 डैश के वाले डीएनए स्ट्रैंड पर होता है। याद रखेंगे आरएनए बनना किस पर होता है, कौन से डीएनए स्ट्रैंड पे होता है, 3 डैश से 5 डैश वाले स्ट्रैंड पे, और अनुलेखन किस दिशा में होती है, 5 डैश से 3 डैश की दिशा में होती है। तो इसी तरह से एडेनिन जो होगा यूरेसिल से, थायमिन जो होगा एडेनिन से, साइटोसिन जो होगा ग्वानिन से, इस तरह से जुड़ते हुए यहां पे आरएनए का निर्माण होने लगता है। जब आरएनए बनने लगता है तब वो पहुंचता है कौन से भाग में, समापक भाग में। आगे बढ़ते हुए ये पहुंचता है समापक भाग में, ठीक है। ये ऐसे बनते हुए आगे बढ़ते हुए पूछ लिया आप समापक भाग में, ठीक है। समापक भाग में जैसे ही पहुंचता है तो यहां पे आरएनए पॉलीमरेज जैसे ही यहां पे पहुंचता है तो यहां पे एक कारक आता है रो कारक, जिसको रो कारक बोलते हैं आरएच, रो कारक यहां पे आकर के जुड़ता है। यहां पे ध्यान देंगे रो कारक RHO, रो कारक आकर के यहाँ पे जुड़ता है कौन से भाग में, समापक भाग में। जैसे ही समापक भाग में वो रो कारक जुड़ता है सिग्मा कारक हट जाता है और आरएनए बनने की क्रिया क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। इस प्रकार से जितना आरएनए बनता है उतना ही केंद्रक से कोशिका द्रव्य में से होते हुए बाहर निकल जाता है, इस तरह से आरएनए बनने का कार्य पूरा हो जाता है, ठीक है। अब आप यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन हमें यह आ सकता है कि अनुलेखन क्या है, आप लिख ही सकते हो। अनुलेखन इकाई क्या होता है, ये भी मैंने बताया। अनुलेखन इकाई कितने प्रकार के होते हैं, ये भी बताया। उन्नायक क्या होता है, संरचनात्मक भाग क्या होता है और समापक भाग क्या होता है। उन्नायक भाग वह भाग होता है जहां से आरएनए बनने का कार्य शुरू होता है, संरचनात्मक भाग डीएनए का वह भाग है जहां पे आरएनए बनता है,
और समापक भाग वह भाग होता है जहां पे आरएनए का बनना रुक जाता है। ठीक है, अब यहां पे होगा कौन सा कारक आरएनए बनने की क्रिया को उत्प्रेरित करता है, सिग्मा कारक। कौन से कारक आरएनए बनने को रोक देता है, रो कारक। ठीक है, कहां पे जाने के बाद, कहां पे जाने के सॉरी आरएनए पॉलीमरेज के कहां पहुंचने के बाद सिग्मा कारक उससे हट जाता है, तो समापक भाग में। ठीक है, समापक भाग में कौन सा कारक आके जुड़ता है, तो रो कारक। ठीक है, इसके अलावा आपसे ये भी कह सकता है कि अनुलेखन के बारे में विस्तार से बताएं, तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि अनुलेखन आरएनए से डीएनए का बनना अनुलेखन कहलाता है। अनुलेखन में डीएनए का वह भाग जो अनुलेखन क्रिया में भाग लेता है, यानी आरएनए में बनने में भाग लेता है, उसे अनुलेखन इकाई कहते हैं। ये तीन प्रकार का होता है, प्रोमोटर, संरचनात्मक और टर्मिनेटर यानी समापक, यानी उनायक, संरचनात्मक और समापक। उनायक भाग वह भाग होता है जहां पे आरएनए पॉलीमरेज आकर के उससे जुड़ता है, और वहां पे आकर के एक कारक होता है सिग्मा कारक जो आकर के आरएनए पॉलीमरेज पर बैठता है, जिससे आरएनए बनने की क्रिया शुरू हो जाती है। जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ता है तो वह पहुंचता है संरचनात्मक भाग में, और संरचनात्मक भाग में ही आरएनए का निर्माण होता है। आरएनए के निर्माण होने के क्रम में जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है तब वो जाकर के पहुंचता है समापक भाग में। समापक भाग में पहुंचते ही आरएनए पॉलीमरेज में मौजूद सिग्मा कारक हट जाता है और वहां पर रो कारक आकर के जुड़ जाता है। रो कारक के जुड़ने से आरएनए के बनने की क्रिया क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। इस प्रकार से जितने भी आरएनए बने होते हैं केंद्रक द्रव से होकर के बाहर निकल जाते हैं। इस तरह से डीएनए से आरएनए के बनने की क्रिया होती है, यानी इस प्रकार से अनुलेखन की क्रिया संपूर्ण होती है। ठीक है, इस प्रकार से हमें कह सकते हैं कि मतलब ये अनुलेखन इकाई या अनुलेखन कार्य इस प्रकार से आपका होता है। ठीक है, उम्मीद है बहुत अच्छे से आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। अब जब मैं अगले क्लास में आप लोगों को मिलूंगा तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, अनुवांशिक कूट यानी जेनेटिक कोडान क्या है। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।